हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तीन स्टॉक्स के बारे में, जिसमें पहला स्टॉक हमारा रहने वाला है विप्रो लिमिटेड। एक बड़ी और मेजर अपडेट निकल के आ रही है यहाँ पे विप्रो से रिलेटेड, और साथ के साथ हम दो स्टॉक्स के बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं जिनमें आपको रिसेंटली कॉर्पोरेट एक्शंस देखने को मिलने वाला है। टोटल तीन स्टॉक के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। साथ के साथ आप मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आज भी मैंने कुछ मार्केट आर्स में ही जो कॉल्स निकल के आई थी वो शेयर की थी, और टारगेट भी उसके हिट हुए थे, यानी कि इंट्राडे कॉल्स थी जो मैंने आज के दिन शेयर की है। और साथ के साथ मैं 15 दिन, 3 महीने, 6 महीने, 1 महीने की कॉल्स भी शेयर करता रहता हूँ, जो कि आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को भी काफ़ी हद तक ईजी बना देती है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराई हुई है, जाके आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते, ये भी बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बारी जल्दी से आज के मार्केट सिनेरियो पर नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे आज की जो मार्केट की क्लोजिंग हुई है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड पर क्लोजिंग देखने को मिली, यानी कि करीबन 1% के आसपास का मूवमेंट आपको हर एक इंडेसिस में देखने को मिल रहा है, जिसमें सेंसेक्स में 547 पॉइंट्स, निफ्टी 50 में 157 पॉइंट्स, निफ्टी बैंक में 375 पॉइंट्स और निफ्टी मिड कैप में 317 पॉइंट्स का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। तो वहीं अगर हम बात करें कुछ ऐसे स्टॉक जिनमें आज आपको भयंकर तेजी देखने को मिली, तो वो है कोरामंडल इंटरनेशनल, लॉरस लैब, GNFC और डॉक्टर लालपथ लैब, जिसमें 4.5% से लेके 6.5% का अपसाइड मूवमेंट एक डिसेंट साइड पे देखने को मिला है। तो वहीं कुछ ऐसे स्टॉक जिनमें आज के दिन गिरावट देखने को मिली है, जिसमें आपको यूनाइटेड स्पिरिट्स, M&M फाइनेंशियल्स, टाटा पावर्स, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, जिसमें 2% से लेके 7% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। और आज यस बैंक में भी करीबन 7% का मूवमेंट आया है, वीडियो मैंने शेयर की हुई है, जाके आप देख सकते हो, उसके पीछे का रीज़न भी आपको पता चल जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे विप्रो लिमिटेड के बारे में। आज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो विप्रो की जो क्लोजिंग हुई है वो आपको पॉजिटिव साइड पर क्लोजिंग देखने को मिली है, यानी कि कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव मूवमेंट तो नहीं आया है, लेकिन फिर भी ठीक है, आपको करीबन 0.5% का मूवमेंट देखने को मिला। 407 के आसपास की क्लोजिंग इस पर्टिकुलर स्टॉक ने आज के दिन यहाँ पे बना के दी है। अब विप्रो की हालत आपको ऑलरेडी पता है, पिछला एक महीना करीबन 4.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है, और अगर आप देखोगे या मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी है तो इसमें ये एक चीज़ सही है कि अभी इसमें आपको गिरावट देखने को नहीं मिल रही, लेकिन अगर आपको यहाँ पे मार्केट एक डाउनसाइड मूवमेंट दिखाता है तो विप्रो सेम रिएक्ट कर रहा है और ज़्यादा परसेंटेज के साथ। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें YTD यानी कि ईयर टू डेट के बारे में, तो करीबन 44% के आसपास की गिरावट है, यानी कि अगर इसमें 5 से 6% की गिरावट और हो जाती है तो शेयर आपको अपने आधे दाम पर ट्रेड करते हुए नज़र आएगा। आपको यहाँ से ये भी आइडिया होगा कि शेयर 800 के आसपास ट्रेड करता था और अचानक से इतनी गिरावट हुई है पिछले एक साल के अंदर अंदर कि शेयर अपने आधे दामों के आसपास आ गया है। तो ये सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहा है विप्रो का पिछले एक साल से। अब यहाँ पे आज के दिन एक अच्छी खासी अनाउंसमेंट निकल के आई है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, विप्रो अनाउंसेस 5-year स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद दी नोकिया, यानी कि अगर आप देखोगे तो ये विप्रो और नोकिया का एक बहुत ज़्यादा सिनेरियो चल रहा था जिसमें विप्रो की जीत होते हुए नज़र आई है। मैं आपको दूसरी न्यूज़ पे लेके चलता हूँ, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। विप्रो विंस 5-year डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डील्स फ्रॉम नोकिया, यानी कि यहाँ पे एक अच्छी खासी जीत हुई है, आने वाले 5 साल की जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डील है वो यहाँ पे विप्रो जीतते हुए नज़र आया है। आगे अगर आप देखो, विप्रो विल डिलीवर बिजनेस सर्विसेज इन सपोर्ट ऑफ नोकियाज रिन्यूड ऑपरेटिंग मॉडल, यानी कि अब यहाँ से जो विप्रो है वो आपको बिजनेस सर्विसेज डिलीवर करेगा, और किसके सपोर्ट से, नोकियाज रिन्यूड ऑपरेटिंग मॉडल्स के सपोर्ट से, फोकसिंग ऑन द प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, टचलेस प्रोसेसिंग एंड इनहांस्ड यूजर एंड कस्टमर एक्सपीरियंस अक्रॉस द ऑर्डर मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द बेंगलुरु बेस्ड IT कंपनीज एक्सचेंज फाइलिंग। तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली नोकिया के रिन्यूड ऑपरेटिंग मॉडल को यूज़ करके अब बिजनेस सर्विसेज डिलीवर करने वाला है, और ये जो न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माहौल क्रिएट कर सकती है कल के यहाँ पे सिनेरियो में। अब यहाँ पे आपको पता ही है कि विप्रो की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन जब थोड़ी बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी आती जाएंगी, जैसे कि कल के दिन मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू बताया भी था, जिसमें जो अट्रीशन रेट है वो
विप्रो का बेटर हुआ है कंपैरेटिवली टू दी अदर आईटी कंपनीज, जिसमें इन्फोसिस का सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा था। मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था, चार्ट आपके स्क्रीन पर देखने को मिल भी रहा होगा, जिसमें अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली जो एट्रिशन रेट है वो आपको इन्फोसिस का सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है और यहाँ पे विप्रो का रिकवरी बेसिस पे देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप देखोगे तो जेपी मॉर्गन की तरफ से एक बड़ा यहाँ पे एनालिसिस भी निकल के आई, जिसमें अगर आप देखो तो उन्होंने सारे के सारे आईटी के जो बेहतरीन स्टॉक्स थे उनको कंपेयर किया, उनको यहाँ पे बताया कि आखिर किस पर्टिकुलर स्टॉक ने इंडाइसेस के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि विप्रो में YTD यानी कि जब से साल शुरू हुई है तब से अब तक 41% के नेगेटिव रिटर्न्स, टेक महिंद्रा में 42% से ज़्यादा, TCS में 12% से ज़्यादा, एम्फेसिस में 34%, माइंडट्री में 39%, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक में 44%, लार्सन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज में 44%, इन्फोसिस में 19.8%, HCL टेक्नोलॉजी में 25% और कोफोर्ज में 38%। ये YTD आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से आपको ये तो पता चल गया कि बेहतरीन कंपनीज में भी भयंकर गिरावट है, लेकिन निफ्टी IT और निफ्टी 50 में अगर आप देखोगे, निफ्टी IT की डायरेक्टली बात करें तो 27% का नेगेटिव मूवमेंट है। अब यहाँ से 27 से जिसने बेटर परफॉर्म किया है वो इस गिरावट को भी अच्छे से ले रहा है, बाकी यहाँ पर जो दूसरी कंपनीज थी उनमें गिरावट में और ज़्यादा जो हालत है वो ख़राब होगी, जिसमें विप्रो भी एक है। तो मैंने आपको यहाँ पे विप्रो की जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी वो सारी चीज़ें बता दी हैं। अब आप बताइए आपको क्या लगता है कि विप्रो यहाँ से आने वाले टाइम में कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने दो स्टॉक के बारे में जो कि आपको यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शंस दिखाते हुए नज़र आने वाले हैं, जिसमें पहला स्टॉक निकल के आता है REC लिमिटेड, जो आपको 129.30 के आसपास नज़र आया था, यानी कि सस्ता शेयर आपको नज़र आता है प्राइस के मामले में। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसकी डिविडेंड यील्ड देखोगे 12% से ज़्यादा, यानी कि एक साल में 12% से ज़्यादा तो आपको डिविडेंड के रिटर्न मिल जाते हैं, साथ के साथ 100% रिकमेंडेशन निकल के आ रही है एनालिस्ट की। अब यहाँ पे डिविडेंड तो नहीं है लेकिन बोनस जरूर मिलने वाला है। 17 अगस्त को आपको इसकी एक्सडेट देखने को मिल रही है, 1:3 का यहाँ पर जो रेशियो है बोनस का वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी अगर आपको अच्छी लगती है, डिविडेंड चाहिए, बाकी सारी चीज़ें चाहिए, साथ में बोनस भी, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आपको अपनी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे स्टॉक के बारे में जो कि निकल के आते हैं डीवीज लेबोरेटरी। थोड़ा सा महंगा शेयर, प्राइस के कंपैरिजन में 3786 के आसपास पिछले 5 साल के रिटर्न्स बेहतरीन है, 450% से भी, यानी कि 473% से भी ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। अब कंपनी आपको यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन दिखाती हुई नज़र आ रही है, ₹30 पर शेयर का जो डिविडेंड है वो देने वाली है, एक्सडेट निकल के आती है 11 अगस्त, दोनों ही यहाँ पे आपको अगले महीने आप देखने को मिलने वाले हैं। अपनी पोजीशन अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, अगर आपको सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं इन भी कंपनी में से कोई भी, उसके अकॉर्डिंग आप अपने यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो। तो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा, और मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो।